मसाले वाला सुपर सॉफ्ट चावल का रोटी और दही तड़का जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। और ये रोटी टिफ़िन में भी डाल सकते हैं आप, पूरा दिन उसे सॉफ्ट ही पाएंगे। और वो मैं परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बताऊंगी, जिसके लिए आप एक पैन में 2.5 कप पानी लें। आप ये मेज़रमेंट अपने कटोरी का कोई भी नाप सेट करके ले सकते हैं। नमक, हरा मिर्ची, थोड़ा सा अदरक डालेंगे, प्याज डालेंगे, सब्जी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा कोथमली, चिली फ्लेक्स और कसूरी मेथी डाल के पानी को मिक्स कर देंगे। और फिर उसमें हम 2 कप चावल का आटा ऐड करेंगे। मेरा हल्दी डालना छूट गया है वीडियो में, तो मैं लास्ट में 1 पिंच हल्दी डाल देती हूँ। और इसे हम मिक्स करते ही गैस ऑफ कर देना है और इसे 10 मिनट के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे वो स्टीम से अच्छा सीज जाएगा। अभी दही तड़का बनाने के लिए हमें फ्रेश कर्ड लेना है। और उसके मसाले के लिए एक बाउल में पहले सब मसाला ऐड कर लें और उसे हल्का सा पानी डाल के मिक्स कर लें, जिससे मसाला अपना बिल्कुल जलेगा नहीं तड़का में डालने के बाद भी। और एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल के राई, जीरा, थोड़ा सा नीम पत्ता, एक सूखा लाल मिर्च डाल के, मैं उसमें गार्लिक डाल रही हूँ और प्याज डाल रही हूँ। आप चाहे तो विदाउट गार्लिक और प्याज भी बना सकते हैं। और फिर जो मसाला मिक्स किया था उसे 1 मिनट के लिए अच्छे से भूज लें। यही टाइम पे हमें 1 चम्मच गेहूं का आटा भी डालना है, जिससे हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और फिर फ्रेश दही डालना है, 1 कप दही डाला है, और अच्छे से मिक्स करके एक बॉईल आने दें और ऊपर से कोथमली डाल के उसे गार्निश कर दें। और ये मसाला रोटी के साथ आप इसे एंजॉय करें या आप टिफ़िन में भी डाल सकते हैं। ये मसाला दही खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, नॉर्मल चपाती के साथ भी ये अच्छा लगता है। अब ये 10 मिनट के बाद हमारा जो आटा है हम इसे बर्तन में निकाल देंगे और 2 चम्मच तेल डाल के हमें इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से उसे मथना है, मतलब अच्छे से उसे नीड करें। जितना आप नीड करोगे आपकी रोटी उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। तो आप उसे अच्छे से नीड करें और फिर उसकी लोई बना के आपको नॉर्मल रोटी के जैसे ही उसे बेलना है। तो बस आप अपने हिसाब से अच्छे से बेल दें और इसे एकदम पतला नहीं करें, नहीं तो ये फूलेगी नहीं। बट ये फूलेगी नहीं तो भी वो इतनी ही सॉफ्ट बनेगी, तो आप टेंशन मत लें। और ये रोटी बना के आप पक्का ट्राई करें एंड उसे आप गरम गरम सर्व करें या आप टिफ़िन में भी पैक कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।